गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका है तो हम अपने थैला पार्टी लेके जा रहे हैं। उसके बाद रूम चेक करेंगे, सिटी टूर करेंगे अभी। फिर हम सिटी टूर करेंगे। एक तो हम जाएंगे पहले हम जाएंगे टाइगर पार्क, उसके बाद जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट में, और फिर एक जगह और हमें जाना है, वो हमारे फरंग भाई ने सस्पेंस रखा हुआ, वो हमें कहाँ ले जाएंगे। तो अब चलते हैं, अब हम निकल गए हैं टाइगर पार्क के लिए, गाड़ी में बैठ गए, ये दोनों तीनों चारों जने बैठे हुए हैं, और ये बाहर का व्यू। भाई हम आ गए हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट में, ये देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये बड़ी शिप बना रखी है ऊपर, पटाया फ्लोटिंग मार्केट। और अब हम फ्लोटिंग मार्केट के अंदर जाएंगे और आपको सब दिखाएंगे, फ्लोटिंग मार्केट होता है कैसा है, वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, टोटल चीज़ आपको हम आज बताने वाले हैं। अब हमारे यहाँ पर टेक लगा दिया गया है फ्लोटिंग मार्केट का, और ये देखिए वाह, यहाँ पे हम यहाँ पे हमें एक घंटा मिलेगा घूमने के लिए फ्लोटिंग मार्केट में। ओ भाई काफी प्यारा प्यारा मार्केट लग रहा है। यहाँ पर ये पेंटिंग है और फ्लोटिंग, और ये देख सकते हैं, ये देखिए ड्रैगन बने हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा लकड़ियों पे बना हुआ है। या और हमारे चेतन जी उसको कुछ थाई में बात कर रहे हैं लेडी से बंदूक के बारे में, लेकिन चेतन को समझा नहीं पा रही वो। या? ये हमने आइसक्रीम ली है, कितने की है? 69 बात की हमने आइसक्रीम ली है। यहाँ पे आपको कुछ हर सामान मिल जाए खरीदने के लिए, टी शर्ट, शॉर्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओह लव, आई लव थाईलैंड। वॉच ये देखिए, यहाँ पे ये बोट भी चलती है, आप बोट से इधर उधर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आगे बोट, ओके भैया, कैसा लग रहा है आपको बोट पे बैठ के? फ्लोटिंग मार्केट में आके आपको अच्छा लग रहा है फ्लोटिंग मार्केट? और हमारे आज माइकल जी का बर्थडे है तो इनको हैप्पी बर्थडे। क्रोकोडाइल होता है हमारे चेतन जी क्रोकोडाइल को कोकोनट बोल रहे थे, उनकी जबान स्लिप हो गई। मेन मोटा के नीचे हाँ, ये दो निकले लगा जो के वो बच्चे थम्बक बड़े है वो ये रखो
हम बोट पे थे और एक जने ने फोटो खींचा और उसके बाद हम 2 मिनट में निकल के आए और हमें 2 मिनट के अंदर ये फोटो रेडी मिल गया। इतना फास्ट काम है इनका, विद इन 2 मिनट हुए और फोटो रेडी। वो यार इतना फास्ट तो नहीं देखा। या अगर आपको क्रोकोडाइल खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्रोकोडाइल अंडे से निकल रहा है। हेलो भैया, बाय बाय। छी, यहाँ पर कसरे भी मिल रही है, कॉकरोच भी है। या छी 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 बाय बाय। लेकिन मुंह से निकल गया मेरे छी। ये ऐसी चीजें मैंने देखी नहीं है कभी। यहाँ थी मेरे ऐसा थी, यहाँ पे बकरियों का दूध मिल रहा है। अगर आप आते हैं फ्लोटिंग मार्केट में तो आप बकरियों का दूध पी सकते हैं, आपको बकरियों का भी दूध पीने के लिए मिलेगा। ये देखिए स्पीड कितने प्यारे दिख रहे हैं। कहाँ है ऑक्टोपस? हाँ ये ऑक्टोपस है, कितना क्यूट लग रहा है। खाने का टेस्ट में नहीं कह सकते लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। ये झींगा और देसी डिश दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ का बुगटा। और केले को भी फेंकल खाते हैं। मन तो आपने कभी सीखा हुआ केला खाया है? तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे सीखा हुआ केला? यहाँ ट्राई नहीं, हम घर पे जाके फेंक के खा लेंगे। जो कि देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पूरी मॉडिफाइड करा रखी है इसको। माफिया 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 लोग। तो अभी हम टाइगर पार्क पहुंच चुके हैं और ये हमारा टिकट है और ये टाइगर पार्क का फ्रंट गेट है। या ये यहाँ पे टाइगर बैठे हुए हैं। ये देखिए बड़ा वाला और वो जा रहा है और एक यहाँ पे है। काफी बड़ा है, बिग टाइगर है। इनका प्राइस है फोटो खिंचाने का 690 baht। ये देखो भाई साहब, आपको 10 मिनट दिए जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ पे आपको अपनी पे अंदर जाना पड़ेगा, आपको फॉर्म साइन करवाना, आपसे फॉर्म साइन कराया जाएगा और आपको अपनी ओन रिस्क पे अंदर जाना है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप अंदर जाइए। हमने तो रिस्क आया है पास में जाके हाथ लगाने के लिए। अभी हमारा टिकट चेक करके अभी हमें अंदर आने दिया है। आपको मैं हर चीज दिखूंगा। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, देखने पे लग रहा है साहब दांत। देखो देखो हिला हिला, ये देखो ये ओ ये हिंदे निकाल रहे हैं दांत। देखिए आप, और एक वो वहां पे भाई वाकई में फट रही है अब जाते हुए अंदर। तो अब ये देखिए हम अंदर पैरा सीधा पैर अंदर रखते हैं। या और वो दौड़ा रहा देखिए वहाँ पे टाइगर को। भाई कितना बड़ा है, वाकई में काफी बड़ा है। ये देखो इसको गाइड करके अब ऊपर बैठा दिया गया हमारे इसलिए ताकि हम आराम से फोटो वोटो ले सके इनके। वाव मनसा एक बार आप पकड़ोगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ ये काफी बिग है और ये देखिए
आप देखते रहे ना भाई। देखो दहाड़ा दहाड़ा, ये देखो वो देखो, उसको देखो मार मार के सही कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए फोटो लेने के लिए। अब हमारे मनीष जी जा रहे हैं और हमारा एक बंदा बाहर निकल चुका है दरबनी के मारे। है ब्रो या विक देखिए इसको मनीष जी हाथ लगाए, ये लगा दिया मनीष जी ने हाथ। अब हम टाइगर पार्क का पार्क छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। वो बीच बीच में सब घूर रहा है, वो माइकल तो बाहर ही निकल गया थी उसकी फटी। ओके मैं यार भी साहब भाई ये एक और देखो। हाँ क्या आपने क्या रखी पूछड़ी पकड़ के रखी है? वो कैसा लग रहा था आपको मनीष जी वहाँ पे? डर रहा था मैं तो भाई। कितना हल्का हल्का? हाँ स्टार्टिंग में जरूर डर लगा था, उसके बाद डर खत्म। ये देखो एक और सो रहा है। हेलो कैसे हो? ये देख कैसे रहा जैसे अभी वो भाई। एक दो तीन तो यहीं सो रहे हैं और काफी ज्यादा ऐसा इतने टाइगर एक साथ नहीं देखे हैं मेरी लाइफ में, तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। हर एक पिंजरे में टाइगर। और ये देखिए ये काका दौड़ता हुआ आ रहा है। हेलो टाइगर बाबा अपा जी। और एक वो सब सो रहे, देखिए रेस्ट कर रहे हैं। देखिए ओ यू के तो उधर बाल देख उसके। देखिए माइकल हाथ लगाते हुए गुदगुदी करते हुए और उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या डर माइकल जी हमारे डरते हुए भाई। अब मैं आपको वाइट टाइगर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए वाइट वाइट ही है भाई, वाइट ही है। क्या घूम रहा है धड़न धड़न खाना पचा रहा है, खाना खा के है ये। बाकी में वाइट बहुत प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा मीडियम टाइगर है, इन्हें हम थोड़ा बच्चा भी कह सकते हैं, थोड़ा कि ये बच्चे ही है। लेकिन धरा बहुत प्यारी आ रही है। और ये देखिए एक ओंदा पड़ा हुआ है, नहीं सॉरी मीडियम है ये वाले मीडियम में। देख कितनी अच्छी तरह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और हर एक टाइगर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप सब सुरक्षित रह सकें यहाँ पर आए तो। देखिए दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है लेकिन इनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। आप भी अगर पटाया आ रहे हैं तो आपको एक बार टाइगर पार्क जरूर विजिट करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का अलग एक्सपीरियंस होता है। और हमने जो एक्सपीरियंस लिया है हम सबके साथ शेयर किया है और अगर आप आएँ तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम सब टाइगर पार्क से निकल के अब कहीं जा रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। काफी अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए फाटक खोलता है और आप फिर उसमें से निकलते हैं, ये काफी अच्छा लगता है। तो अब हम सिटी टूर करके आ चुके हैं। या थैंक यू फोटो हमारा। सिटी टूर करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। और फरहान भाई ने हमें मसाज के लिए भी भेजा था, हाँ काफ़ी मसाज अच्छी थी, पैरों की मसाज की थी काफ़ी। यार था थकान दूर हो जाती है पैरों की मसाज होने के बाद। भाइयों अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो लेने ये है वैन वो कौन सी है। ये है टोयोटा की और देखिए इसमें जो लग्जरी है वो भैया फोटो लेना है लेकिन हमारा तो वीडियो बन रहा है।
जो लग्जरी कंफर्ट है, ओहो माइंड ब्लोइंग, कितनी अच्छी। आपको मनीष जी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको मजा आ रहा है? या बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर फरहान भाई। या ये देखिए फरहान भाई की फैसिलिटी इतनी अच्छी ना, आपके लिए ऐसी लग्जरी वैन भेजेंगे ताकि आप अच्छे से ट्रेवल कर सके और फुल एंजॉय कर सके बिना थके। अब हम हमारी बैंकॉक वाली होटल में पहुंच चुके हैं, एम्बेसडर होटल। भाई वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी है ये होटल। मैं इस होटल की आपको लॉबी दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी है देखिए। ये तो साहब जोरदार है। या चेक इन साहब, वाकई में भी देखिए हम चेक इन काउंटर पे आ गए हैं। काउंटर भी ऐसे बने हुए हैं जैसे एयरपोर्ट पे बने होते हैं ना काउंटर, वैसे। ये हमारा एम्बेसडर होटल का रूम है। ये टॉयलेट बाथरूम का है यार, ये बाथरूम है। और ये टू बेड, और ये है बाहर का नजारा। भाई आप 6 फ्लोर पर देख सकते हैं, 601 और 632 तक रूम इसमें है, 633 से 674 रूम इस फ्लोर पे, यानी एक फ्लोर पे 74 रूम से एक फ्लोर पे। अब आपको दिखाता हूँ होटलें, ये देखिए यहाँ पे, और इस साइड मेट्रो का है और काफी क्लीन सिटी लग रही है बैंकॉक। ये देखिए वाह क्या होटलें।